उनके घर पर भी पड़ने लगा है। भक्त भगवान से भी इस समय दूरी बनाए हुए हैं। करुणा के चलते मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थली पर भी पड़ने लगा है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मंदिर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो लोग बीमार हैं वह मंदिर में प्रवेश ना करें, जितना संभव हो उतना दूरी बनाए रखें। इसके बचाव के लिए भी मंदिर प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट ने जुड़े पर पदाधिकारी का कहना है कि हमने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं कोरोना का असर आने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। वहीं भगवान की पोशाक और भगवान से जुड़े हुए सामान विक्रेताओं से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी दुकानदारी पूरी तरह चौपट हो चुकी है। श्रद्धालुओं की कमी के कारण उनकी दुकान पर होने वाली बिक्री पर खासा असर पड़ा है। विजय बहादुर सिंह श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट विशेष अधिकारी मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ दुकान है आपकी? जन्म श्री कृष्ण जन्म स्थान। अगर बात करें कोरोना वायरस की तो क्या स्थिति है कोरोना वायरस की ग्राहकों को लेकर और दुकानदारी को लेकर? ग्राहकों को लेकर के अभी दो तीन दिन पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब जो ज्यादा बाजार में अफवाह उड़ रही है, जैसे रूमर उड़ रही है कि माँ इतने पकड़े गए या इतने कोरोना वायरस में लिपते हैं, तो इस चक्कर में अब तो बहुत डाउन है। आज तो बिल्कुल ही डाउन है, यात्री बिल्कुल भी नहीं है और मंदिर में भी यात्रियों को रुकने नहीं दे रहे हैं। मतलब दर्शन हो रहा है तो यात्री को आगे को कर दे रहे हैं, मतलब भीड़ भाड़ को इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं। तो कोरोना का अगर बात करें तो व्यापार पूरी तरह चौपट, व्यापार तो पूरी तरह चौपट हो चुका है। व्यापार की अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी तरह चौपट हो गया है। इतना चौपट पहले कभी नहीं हुआ था और कर्फ्यू में भी नहीं हुआ था, जो कोरोना वायरस की वजह से और ज्यादा हो गया है। तो क्या मानते हैं कि पूरी तरह से कोरोना वायरस का असर है व्यापार पर? पूरा 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 असर है कोरोना वायरस की वजह से। क्या नाम है आपका? मैं विजय बहादुर सिंह, यहाँ विशेष कार्य अधिकारी हूँ जन्म स्थान सेवा संस्थान में। जन्म स्थान ने एक एडवाइजरी जारी की है जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु, क्या एडवाइजरी? और कोरोना के विश्वव्यापी प्रभाव को और आतंक को देखते हुए जन्म स्थान और मथुरा में आने वाले तीर्थयात्रियों से यह परामर्श दिया गया है उनको कि वह यहाँ आते समय आपस में एक दूसरे को संक्रमित यदि हैं कोई तो न हो, इसके लिए पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, एक स्थान पर भीड़ न लगाएं और आगे बढ़ते रहें, रुकें ना, कम से कम रुकने का प्रयास करें। और यदि वो नित्य क्रियाओं के लिए जाते हैं शौचालय मूत्रालय तो वहाँ पर रखें सैनिटाइजर का और साबुन आदि का प्रयोग ठीक से करें और गर्म पानी का प्रयोग अधिकतम करें। यही इसी प्रकार के निर्देश सबको दिए जाए। क्या ये भी अपील की गई है कि जो संक्रामित लोग हैं वो मंदिर में ना आए दर्शन करने? नहीं, संक्रामित लोग तो मतलब भागपुर से प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पर या स्टेशन पर व्यवस्थाएं की गई है स्क्रीनिंग की, वो तो यहाँ आना असंभव है। और संक्रमित जो व्यक्ति है उनको तो आइसोलेशन सेंटर्स में भेजा जा रहा है उनको, तो संक्रमित कोई यहाँ आएगा ये तो मुझे लगता है असंभव है। फिर भी हम आपस में सावधानी रखेंगे, इस महामारी से ठीक से लड़ सकेंगे, यही सबका प्रयास होना चाहिए। कोरोना का असर मंदिर पे कितना दिख रहा है, कि श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी आई है? पिछले एक हफ्ते में आज तक की जो स्थिति है उसमें आधे से भी अधिक तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी हुई है, मगर जो मथुरा के स्थानीय दैनिक तीर्थयात्री वो यथावत आ रहे हैं, उनका कोई असर नहीं। कहीं ना कहीं कोरोना का असर यहाँ बिल्कुल है, प्रभाव है, संख्या में कमी है। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.